अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उमान के सिटी मस्कत मथुरा पोर्ट, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मथुरा पोर्ट का पूरा सीन व्यू है। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सुल्तान काबूस का इधर छोटा सा एक पैलेस भी है। यहाँ पे उनका कुछ अपने एक्टिविटीज़ होती है सिविनियर्स की, नेशनल डेज की इसकी। और ये पूरा जो है मथुरा पोर्ट है, और ये इंटरनेशनल समंदर का जो ये रूट है, जो आपको ये लाल लाल इसके बैरिक्स जो नज़र आ रहे हैं आपको ये, और ये जो सामने खड़ा हुआ है बड़ा सा शिप्स, ये सुल्तान काबूस शिप है। ये इसमें VIPs वगैरह के स्टेज होते हैं, ये खड़ा ही रहता है यहाँ पे, कोई जाता आता नहीं है। और ये जो है इस पर लोग को टूर कराते हैं, जैसे दुबई में फेरीज वगैरह होती हैं, ये वो है। सामने बड़े बड़े जबल्स हैं, पूरा एक एरिया है ये जो आपको नज़र आ रहा है। और ये पूरा राउंड अबाउट काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ से लेकर और ये राउंड अबाउट ये जो आती है इस तरह, ये आपको पूरा एक राउंड सर्कल, गोल्ड सर्कल में सामने जबल है, मस्जिद है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, और इधर फिशिंग भी होती है। और वो सामने आपको डॉल्फिन टूर भी कराते हैं, डॉल्फिन शार्क टूर्स भी होता है। और इधर पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी भी है, वो जो आपको नज़र आ रही है ये ऑयल रिफाइनरी है। तो इसी तरह के यहाँ पे काफ़ी ट्रिप्स आते हैं, टूर्स भी होते हैं। और पानी माशाल्लाह इतना साफ़ पानी है अंदर का, आपको पूरी इसकी ज़मीन नज़र आ रही है, ये ज़मीन है समंदर की। यहाँ पे तकरीबन ये साइड का एरिया है, इस साइड के एरिया में पानी तकरीबन दो ढाई फीट पानी है बस इधर, ये क्योंकि साइड का एरिया है। तो यहाँ पे मछली वगैरह भी इधर आपको जाते हुए आते हुए नज़र आती हैं, समटाइम इधर घूम रही होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इधर मच्छी घूम रही थी, मछली फिश वगैरह यहाँ पे। और इधर हमारे साथ और भी आए हुए, ये सब हमारे साथ आए हुए। इसी तरह स्कूटी भी आई हुई इधर इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी लोग आना जाना रहता है, काफ़ी लोग आते हैं। और ये सामने मथुरा का जो सूक बाज़ार है, जैसा दुबई में गोल्ड सूक बाज़ार है, ये सूक बाज़ार है सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये सूक बाज़ार। और ये सिग्नल है, ये जो घंटी की ढगड़ा ढगड़ा आवाज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये रोड क्रॉस करने की जो सिग्नल ग्रीन होता है, तो इसी तरह आपने भी इधर आपने क्रॉस करना है, ये पेडिस्टर क्रॉसिंग। तो यहाँ पे सयाज वगैरह आते हैं, काफ़ी टूर्स लेके आते हैं ये ग्रुप जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे बैंक दोफार भी है, और पूरा ग्रुप है इधर, एक्सचेंज है सारे। तो ये इसी तरह लोग आके टूर करवाते रहते हैं। और इस टाइम आ गया महीना दिसंबर का, तो ये यहाँ पे आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो बर्ड्स दुबई में होते हैं सेम इधर भी वही बर्ड्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, ये बर्ड्स। तो लोग इसको कुछ खाना वाना डालते हैं, कुछ ब्रेड्स वगैरह डालते हैं। तो ये इसी तरह यहाँ पे भी ये सफ़र करते हुए आते हैं, इस टाइम यूरोप से ये इधर आ जाते हैं, मिडल ईस्ट का सफ़र करते हैं। इस टाइम ये रहते हैं यहाँ पे फरवरी के एंड तक, फिर ये यहाँ से यूरोप वापस चले जाते हैं, ये दूसरी जगहों से आते हैं, ये यहाँ के मकामी परिंदे नहीं हैं। तो ये पूरा यहाँ का एटमोसफेयर है भाई। फिर दोबारा मैं दिखाता हूँ एक बार फिर समंदर के अंदर का ज़मीन, ये पूरी ज़मीन है, और ये टनल जा रही उस तरफ निकलती जिस तरफ ये नज़र आपको नजर आ रही है, ये टनल भी है इधर। ये ज़मीन नज़र आ रही पूरी समंदर की, मछलियाँ भी इधर, वो छोटी मछलियाँ नज़र आ रही, वो रही इधर है मछली, आती जाती रहती हैं यहाँ पे, ये रही यहाँ पे भी है। तो कहीं कहीं नज़र आती हैं, कहीं कहीं पूरा रेला होता है, आता जाता रहता है, ये उधर जा रही है। क्योंकि एक एकदम पूरा रेला आ जाता है मछली का, ये आ रहा है, ये रही मछली का रेला, ये रही, ये इसमें बड़ी बड़ी नज़र आती है माशाल्लाह, ये रही। वो रहा पूरा रेला, ये मछली का पूरा रेला जा रहा है। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।